हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, हमने एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री की सीरीज़ प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दो तीन टॉपिक पढ़ा दिए थे। पहला टॉपिक क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसके अंदर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा दिया था। उसके जो बेसिक शॉर्ट रिवीजन थे वो मैंने आपको करा दिए थे। आज मैंने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के बाद उनके क्वेश्चन के आपको ऑप्शन भी समझा दूंगी, तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको भूलने की कोई गुंजाइश चीज नहीं रहेगी। चलिए तो फिर अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज तुम्हें पता है 1921 में हुई थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह डॉट डैश आपको दिया है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, पनबूर बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो आपको पता है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कौन सा बंदर पाया गया था? लोथल बंदरगाह। हमारे किस सभ्यता में पाया गया था? लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता में पाया गया था, ठीक है। कांडला बंदरगाह आपको पता ही होगा मुंबई बंदरगाह, और कहाँ है आपको बताना है मैं कमेंट बॉक्स में। और न्याहासवा बंदरगाह आपको कहाँ पे? ये तीनों बंदरगाह आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे क्या होगा आपका जीके भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा महाराज जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला शहर था, इसलिए हम क्या करते हैं सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपड़े के लिए सूती कपड़ों की सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, इंडिया में या अमेरिका में? तो सूती कपड़ों की सबसे पहले खेती हमारे इंडिया में प्रारंभ की गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज की गई थी? ये मैंने आपको बताया अभी तो, सिंधु सभ्यता में किस धातु की खोज की गई थी? तो सिंधु सभ्यता को हम कौन सी धातु कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हम कौन सी सभ्यता भी कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। उसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि सर्वप्रथम जो होती कांसा धातु के प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुई थी, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को कांस सभ्यता भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सबसे पहला शहर जो खोजा गया तो हड़प्पा था, और सबसे पहली धातु अगर पूछेगा तो कांसा थी, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन भी सभ्यता कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछता है सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रचलन था, तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबा धातु का प्रचलन था। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख है, नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है, सरस्वती नदी का उल्लेख है, गंगा नदी का उल्लेख है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहे? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि ऋग्वेद में नर्मदा नदी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर आपसे कभी पूछते सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में, तो सबसे ज्यादा सरस्वती नदी का उल्लेख है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया ऋग्वेद में। जो वैदिक काल के लोग थे वो सरस्वती को नदीत्मा कहा गया, अर्थात नदी की आत्मा। सरस्वती को क्या शब्द से वो किया गया? नदीत्मा कहा गया। नदीत्मा का तात्पर्य क्या होगा? नदी की आत्मा। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद के सामने हमारा सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। और ठीक है, अब हम वेद कितने होते हैं हमें पता है, वेद चार। और वेदों को और क्या क्या कहते हैं? वेद को और क्या क्या कहते हैं? संहिता, श्रुति, अपौरुषेय, ये सारे मेरे क्या वेदों को ही कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान व कर्म कांड का उल्लेख यजुर्वेद में है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद, इसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र लिखे गए हैं। अर्थवेद क्या है? अथर्ववेद जो हमारा ये सबसे नवीन वेद है, इसमें क्या है जादू, टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि का उल्लेख किया गया। और सामवेद, सामवेद को हम संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिटेल में जब उसके टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे ऑप्शन, आपको बहुत ही जल्दी सारा हिस्ट्री रिवाइज करा देंगे हम।
अब हम पढ़ते हैं सबसे नवीनतम वेद कौन सा। अभी मैंने आपको बताया अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या हमारा सबसे नवीनतम वेद है। और सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान व कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। फादर ऑफ म्यूजिक किसे कहते हैं, मतलब संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, आप बताइए किस वेद को कहा जाता है। संगीत का जनक हम किसको कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। संगीत का जनक किसको कहते हैं, सामवेद को। सामवेद को किसका जनक कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, कुम्हार के मत्स्य पालन। वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। आपको मैंने बताया था वैदिक काल दो भागों में डिवाइड था, उत्तर वैदिक काल तथा प्राचीन वैदिक काल। ठीक है, ये दो भाग थे, ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक काल को ही प्राचीन वैदिक काल में कहते हैं। उसके बाद क्या था, उत्तर वैदिक काल। प्राचीन वैदिक काल में लोग क्या थे, कबीलाई टाइप का जीवन निवास करते थे। क्या करते थे, समूह में रहते थे। यायावार, कई बार आपसे ये प्रश्न पूछते हैं यायावार क्या होता है। यायावार क्या होता है, जंगली लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, कबीलाई टाइप का जीवन व्यतीत करते थे। इनका पहले व्यवसाय क्या था, सबसे पहले था कृषि, कृषि। उसके बाद इन्होंने पशुपालन भी प्रारंभ किया। तो ये दोनों इनके व्यवसाय बन गए थे, कृषि और पशुपालन क्या थे, इनके व्यवसाय थे। लेकिन अगर आपसे कभी पूछते सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा, तो सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था वैदिक सभ्यता के लोगों का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता हमारी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपसे पूछते हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको पता होना चाहिए नगर हम किस क्षेत्र को कहते हैं, नगर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या औद्योगिक कार्यों से अगर जुड़ी है, तब हम उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, नगर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे, जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थकर का उल्लेख, ये मैंने आपको बताया था 25, 23 की 24। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थकर का उल्लेख है। और हमारे महावीर स्वामी जो कौन से तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे हमारे महावीर। ये देखिए आपको क्वेश्चन भी वही आ गया, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। और हमारे प्रथम तीर्थकर कौन थे, ये मैंने आपको बताया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, आप जो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसको। वर्धमान किसके बचपन का नाम, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। वर्धमान किसके बचपन का नाम था, वर्धमान हमारे महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्वितीय जैन संगीति कवि थी, इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन संगीति कवि थी, प्रथम जैन संगीति, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, इस टाइप के पूछते। तो द्वितीय जैन संगीति हमारी कब हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी, ईस्वी में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म जो था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कितने भागों में डिवाइड हो गया था। जैन धर्म जो होता है चार भाग में कि दो कि तीन भाग में, तो महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म पता है दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था श्वेतांबर व दिगंबर। जब जैन धर्म के जो सबसे ज्यादा ख्याति किसके काल में हुई थी, महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन धर्म के वो दो भागों में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर व दिगंबर। ये आपसे पूछा जा सकता है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संबंधित शाखाएं हैं, तो किससे, जैन धर्म के। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 480 ईस्वी में, 485 की 483। तो मैंने आपको पढ़ाया था गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईस्वी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब आप बताइए वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो अभी हमने पढ़ा महावीर स्वामी के। अब जमाली कौन थे, तो जमाली कौन थे आप बताइए, जमाल थे गौतम बुद्ध के दामाद थे, गौतम बुद्ध के दामाद थे, कौन थे, जमाली। और जमाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, बहुतत्ववाद संप्रदाय की स्थापना जमाल ने की थी। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था हमारे शाक वंश में।
अब आपको इनका पूछ सकता है कि किनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश में। इस तरह से आपने आज 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए, लेकिन इस 18 क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपने 30 तक क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसके बीच के ऑप्शन भी मैंने आपको समझाया। इसी तरह से सीरीज अगर आपको पसंद आई, आपने इसे बहुत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, तो इसे दूसरे के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह से आप अगर एक बार मोस्ट सीरीज का रिवीजन सीरीज देख लेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन सीरीज देख लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आप हमारी सीरीज को रेगुलरली देखते रहिए, तथा अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई सीटेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल में आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में सीटेट एग्जाम के लिए भी, इसके बाद हम बहुत जल्द टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को आके सब्सक्राइब करें तथा तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को रेगुलरली देखिए, आपका देखिए बहुत ही अच्छा आप स्कोर को अपना एग्जाम में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।